हेलो भाई, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और गाइज, आज कोई खुशी वाला ब्लॉग नहीं है, बल्कि आज मेरा नुकसान हो गया यार, बहुत ज्यादा। और एक नहीं, दो बार नुकसान हो गया गाइज। गाइज, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रिमर में बनाया था, ये बाल काटने वाली मशीन है। और गाइज, ये पूरी की पूरी मैंने शूट कर ली, यानी कंप्लीट बन चुकी थी, पूरी की पूरी मैंने शूट कर ली थी। और ये मैंने पहली बार कैमरे से बनाई थी, जो ये रहा, ये देख सकते हैं, ये कैनन का M52 है। ये देखिए गाइज, बिल्कुल न्यू कैमरा है। और इसकी मेरे ख्याल से ये पहली पूरी की पूरी फाइल है, यानी इससे छोटी छोटी तो मैंने पहले बनाई है, लेकिन पूरा का पूरा वीडियो इस कैमरे से ये पहला वीडियो था। ठीक है गाइज, तो इसमें ये प्रॉब्लम आई, इसे मैंने शूट कर लिया। और जब मैं लैपटॉप में डालने लगा, कैमरे से लैपटॉप में, तो गाइज इसमें जो मेन पार्ट है, बीच वाली जो दो फाइल है, बीच वाली दो फाइल थी जो, वो इसमें तो दिखा रहा है, इसमें चल रही है कैमरे में, लेकिन जब लैपटॉप में डाल रहे वहां पर 0 बाइट दिखा रहा है, यानी वहां पर कोई भी डेटा नहीं है और ना ही वहां पर वो प्ले हो रही है। ठीक है गाइज, तो पहली बार तो ऐसा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, फिर मैंने दोबारा वो बीच वाला पार्ट, मैंने इसको तोड़ फोड़ के, क्योंकि ये पूरा खोलना पड़ा मुझे, ये तो मैंने शूट कर लिया था और बंद कर दिया था अच्छी तरीके से, लेकिन शूट करने के लिए मुझे दोबारा से ओपन करना पड़ा। और इसको दोबारा मैंने शूट करके, पूरा कपड़ा शूट करके, जब मैंने दोबारा लैपटॉप में डाला, तो दोबारा सेम की सेम वही कंडीशन थी गाइज। यानी इसमें कैमरे में तो वो फाइल चल रही है, लेकिन लैपटॉप में जब ट्रांसफर कर रहे तो वहां पे 0 डेटा दिखा रहा है। और अभी भी वो फाइल इसमें पड़ी है, मैं एक बार आपको चला करके भी दिखा दूं, ताकि आपको अच्छे से यकीन हो जाए। तो ये इसका ऑन ऑफ बटन है, देखिए, ये देखिए गाइज, मैंने ऑन कर दिया है कैमरा। और यहाँ पर ये देखिए, मैं एक बार फाइल आपको चला करके दिखा दूं, देखिए गाइज ये पड़ी है फाइल, ये देखिए। तो इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है, आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइज, इसमें तो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन गाइज, जब इसे मैं लैपटॉप में डाल रहा हूँ, इसमें से, कैमरे में से, तो वहां पर कोई डेटा ही नहीं जा रहा है, वहां पर ये फाइल ही नहीं जा रही है। और ये एक नहीं, दो बार ऐसा हुआ है। ठीक है गाइज, और यार पूरी की पूरी रात मैंने शूट किया है इसको, चलिए इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ। तो गाइज, इस फाइल को मैंने पूरी रात शूट किया, बल्कि अभी भी मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ ना, तो अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। ठीक है गाइज, और अभी क्योंकि मुझे सुबह ही है बना करके फाइल, ये पूरी की पूरी मुझे अभी बनानी है, शूट करनी है, और फिर इसको एडिट भी करना है मुझे, और सुबह को 8 बजे ये आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है गाइज, ये प्रोजेक्ट मुझे अपलोड जरूर करना है, सुबह को 8 बजे आपके पास पहुंच जाएगा, तो इसलिए मैं रात के 2:30 बजे ये व्लॉग भी बना रहा हूँ। और इस फाइल को भी मैं शूट करके दोबारा, फिर आज मैं इसे मोबाइल से शूट करूंगा, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है कैमरे से। और गाइज, कल मैं इस कैमरे को रुड़की लेकर जाऊंगा, जहां से मैंने भैया की शॉप से लिया था, ये कैनन शॉप से। तो दिन में मेरी भैया से बात भी हुई थी, और मैंने उनको बोला था कि भैया इस तरीके से बात है, जब हम शूट कर रहे हैं तब तो दिखा रहा है, कैमरे में भी दिखा रहा है, लेकिन ट्रांसफर फाइल नहीं हो रही, वहां पर डेटा ही नहीं जा रहा है। तो गाइज यार, इस तरीके से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरी की पूरी फाइल तैयार हो चुकी है, और बल्कि इसको तोड़ करके मैंने दोबारा भी इसको शूट कर लिया, दो दो बार फाइल ऐसे जा ही नहीं रही है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है यार, और आप समझ सकते हो कितनी मेहनत है यार। इसको शूट करते करते ना मुझे दिन निकल गया था, अभी भी आपको मैं बाहर का नजारा अगर दिखाऊं, रात के 2:30 बज रहे हैं। ठीक है गाइज, चलिए मैं एक बार आपको बाहर का नजारा दिखाई देता हूँ, तब ये आपको यकीन आ जाएगी मैं रात को ही काम कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं इसको खोल लेता हूँ। तो गाइज, मैंने खोल लिया है, देखिए, और आइए चलो ये बाहर चलते हैं। तो गाइज, अभी देख सकते हैं पूरा का पूरा अंधेरा है, ये देखिए, किधर भी आप देख सकते हैं। तो पूरे 2:30 बज रहे हैं अभी रात के, और अब मैं शूट कर रहा हूँ, और सिर्फ ये बाहर का नज़ारा मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ, मैं रात को ही काम कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, और अभी मैं इसको, अभी भी मुझे शूट ही करना है, जैसे मैंने बोला, इसको मुझे शूट भी करना है, फिर एडिट भी करना है, और सुबह को 8 बजे तक आपके पास पहुंचानी भी है। 8 में 8:30 हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, लेकिन 9 बजे, 8 से 9 बजे के बीच में ये फाइल आपके पास पहुंच जाएगी, मेरे मेन चैनल टोटल हिंदी टेक्निकल पे। ठीक है गाइज, तो इसको जरूर देखना, और इस वीडियो का लिंक मैं नीचे ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां पर क्लिक करके भी आप सीधे इसको देख सकते हैं। तो यार बहुत मेहनत लगी है, इस फाइल को देखना जरूर गाइस। और बस आज क्या ही बताऊं यार, इतनी सारी मेहनत है, और समझ सकते हो दो दो बार एक ही प्रोजेक्ट को तोड़ के दोबारा शूट करना पड़ रहा है, वो भी एक कैमरे की वजह से। यार पूरी की पूरी मेहनत इसमें अभी भी है, वो अभी कल भैया को देखता हूँ मैं जा करके, और वो मैंने डिलीट नहीं की, और ना ही मैं डिलीट करूंगा, क्योंकि अगर मैंने डिलीट कर दी वो, तो मैं कल भैया को दिखाऊंगा क्या, उनको पता कैसे लगेगा कि इसमें ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है गाइज, तो इसलिए मैंने वो फाइल इसमें रखी है, और जैसे कि जैसे इसे जू की तो मैं उनको दिखाऊंगा,
और फिर देखते हैं क्या होता है। तो कल कल का व्लॉग भी बनाऊंगा मैं, रुड़की जब जाऊंगा ना इसको लेके कैमरे को, तो मैं इसका व्लॉग भी बनाऊंगा और उन भैया वो भैया कैसे इसको रिपेयर करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइज कल का व्लॉग भी आप जरूर देखना, काफी अच्छा लगेगा, आपको जानकारी भी मिलेगी। और जो भी उसमें इस कैमरे में वो सेटिंग करेंगे कैनन M52 में, तो वो पूरी की पूरी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा भी अगर किसी और, क्योंकि ये कैमरा तो एकदम प्रोफेशनल है, इसको सारे यूट्यूबर ऑलमोस्ट सारे ही यूज करते हैं इस कैमरे को। तो गाइज इसकी जो भी इसमें, क्योंकि मेरे पास ये प्रॉब्लम आई, न्यू कैमरा है तो मेरे पास ये प्रॉब्लम आई तो औरों के पास भी शायद ये आती होगी, तो इसमें जो भी वो सेटिंग करेंगे वो पूरी की पूरी सेटिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुंच सके। और गाइज अभी तो मैं बस अपनी जो भी नेक्स्ट वीडियो है, जो भी इसका पार्ट है बीच वाला, थोड़ा सा ही पार्ट है, ज्यादा नहीं है, तो उसको मैं मोबाइल से शूट करूंगा ताकि मैं नहीं चाहता कि दोबारा भी तीसरी बार भी ये प्रॉब्लम आए। ठीक है गाइज, तो आज के ब्लॉग में भाइयों बस इतना ही, मुझे ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी तो नहीं लगी होगी क्योंकि जानकारी यार ये ऐसी है, ये किसको अच्छी लगेगी, नुकसान हो रहा है उल्टा। तो गाइज कोई नहीं, बट आज के ब्लॉग में भाइयों इतना ही, आई होप ये जो भी जानकारी मिली है आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइज, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।